बहन जी का स्वागत करना है सम्मानित साथियों। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आपके बीच में पहुंच चुकी हैं। झंडे लहराते हुए ऊपर उठाकर झंडे लहराने का काम करें, झंडे लहराते हुए स्वागत करने का काम करें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। सारे कलाकार नारे मारो आके, सारे सरदार सुखबीर सिंह बादल जी पहले ही हमारे इस मंच पर पहुंच चुके हैं सम्मानित साथियों आपके बीच में, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आपके बीच में पहुंच चुकी है सम्मानित साथियों। नारों के साथ स्वागत करेंगे, जैसे ही नारे इधर से चालू होंगे सम्मानित साथियों आप लोग नारों के साथ दोनों मंच से नारे लगाने का, नारे का जवाब देने का काम करेंगे। लता जी आ जाओ इससे नारे मार। सम्मानित साथियों पंडाल में जितने लोग हैं सभी नारों का जवाब नारे से देने का काम करेंगे। नारा इतनी तेज होना चाहिए कि चंडीगढ़ की कुर्सी तक हिलनी चाहिए, चंडीगढ़ की कुर्सी पर सुनाई देना चाहिए ये नारा सम्मानित साथियों। वाह वाह जोर ला दे पंजाब के लोगों के, लोगों सत्ता प्राप्त करने के लिए चंडीगढ़ की कुर्सी को हिलाना बहुत जरूरी है। और सम्मानित साथियों इतनी तेज नारे होने चाहिए, स्वागत होना चाहिए आदरणीय बहन जी का कि चंडीगढ़ की कुर्सी को सुनाई दे कि नारे ये गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सम्मानित साथियों आदरणीय श्री सुखबीर सिंह बादल जी हमारे बीच में इस चंडीगढ़ की कुर्सी पर बैठने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 आदरणीय सुखबीर सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय सुखबीर सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान नीला झंडा हाथ निशान। 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 अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार श्री सुखबीर सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार श्री सुखबीर सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार श्री प्रकाश सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार श्री प्रकाश सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय साहब श्री कांसीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय साहब श्री कांसीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय साहब श्री कांसीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीएसपी की क्या पहचान नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान नीला झंडा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सर्वजन के सम्मान में बीएसपी मैदान में, सर्वजन के सम्मान में बीएसपी मैदान में। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरदार श्री सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार श्री सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार श्री प्रकाश सिंह बादल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार श्री प्रकाश सिंह बादल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय साहब श्री काशीराम जिंदाबाद, माननीय साहब श्री काशीराम जी अमर रहे, माननीय साहब श्री काशीराम जी अमर रहे। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सर्वजन के सम्मान में बीएसपी मैदान में, सर्वजन के सम्मान में बीएसपी मैदान में, सर्वजन के सम्मान में बीएसपी मैदान में। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार श्री प्रकाश सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार श्री प्रकाश सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार श्री सुखबीर सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार श्री सुखबीर सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्वजन के सम्मान में, सर्वजन के सम्मान में बीएसपी मैदान में, सर्वजन के सम्मान में बीएसपी मैदान में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय साहब श्री काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय साहब श्री काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय साहब श्री काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। 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 बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप आ
आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अकाली बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, गठबंधन की सरकार बनाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, गठबंधन की सरकार बनाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, गठबंधन की सरकार बनाना। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, बहन जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरदार सुखबीर सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरदार सुखबीर सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरदार सुखबीर सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। सभी साथी मास्क लगाएं। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार चार बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पहुंच चुकी हैं। पंजाब की ओर से पंजाब के लोग हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करें, तालियों के साथ गड़गड़ाहट के साथ तेज आवाज के साथ सम्मानित साथियों झंडे लहराकर बहन जी का स्वागत करने का काम करें। सम्मानित साथियों हमारे बीच में शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय प्रधान आदरणीय श्री सुखबीर सिंह बादल जी भी पहुंच चुके हैं, उनका भी तालियों के साथ स्वागत करने का काम करें, उनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। सम्मानित साथियों अब मैं श्री जसवीर सिंह गढ़ी साहब, विपुल कुमार जी, जरनैल सिंह बहादुर साहब अकाली दल से, सरबजीत सिंह बहुजन समाज पार्टी के नवाशहर के जिला अध्यक्ष, इनको सामूहिक तौर पर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह चुनाव चिन्ह हाथी देकर हाथी भेंट कर स्वागत करने का काम करें। जसवीर सिंह गढ़ी जी, विपुल कुमार जी, मैं भी हाथ लगा दूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मारो बोलना लगे। अब मैं इन्हीं लोगों से पुनः आग्रह करता हूं कि आदरणीय सरदार श्री सुखबीर सिंह बादल साहब को शिरोमणि अकाली दल का प्रतीक चिन्ह तकड़ी देकर भेंट कर स्वागत करने का काम करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रोमणि अकाली दल बसपा गठबंधन जिंदाबाद। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। जय भीम जय
जिंदाबाद। बसपा अकाली गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं जिसका आप लोगों को बहुत देर से इंतजार था, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार चार बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि आए और इस जनसभा को संबोधित करने का काम करें। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी व शिरोमणि अकाली दल गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, नेताओं एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों के समर्थन में तथा मेरे साथ साथ अकाली दल के प्रमुख श्री सुखबीर सिंह बादल जी को भी सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि आज के प्रोग्राम में आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी अपने खराब स्वास्थ्य होने की वजह से हमारे बीच में नहीं आ सके हैं, ऐसे में मैं कुदरत से इनके जल्दी ठीक होने की भी कामना करती हूँ, साथ ही मैं उनका पूरा आदर सम्मान भी करती हूँ जिन्होंने पंजाब स्टेट की कई बार सत्ता प्राप्त करके यहाँ की जनता को अपनी अपार सेवाएं भी दी हैं, तथा अब इनका पूरा आशीर्वाद इनके अपने बेटे श्री सुखबीर सिंह बादल जी को प्राप्त है। साथ ही चुनाव में श्रीमती हरसिमरत कौर बादल भी पूरे जी जान से अपने इस बने गठबंधन को कामयाब बनाने में लगी है, उनकी मैं आभारी हूँ। लेकिन यहाँ मैं श्री प्रकाश सिंह बादल जी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूँगी। आप लोगों को ये मालूम है कि उन्होंने पंजाब स्टेट की मुख्यमंत्री के हैसियत से कई बार सेवा की है और उम्र भी काफ़ी हो गई है, लेकिन सेवा का जो जज्बा है, भाव जज्बा जो भाव है वो उनके जहन से नहीं निकला है। इस उम्र में भी वो विधानसभा का आम चुनाव लड़कर तो फिर से जनता की वो सेवा करना चाहते हैं। उनको ये मालूम है कि मेरा बेटा तो काम में लगा है, लेकिन उन्होंने ये तैयार किया हुआ है कि जब तक मैं ठीक हूँ, स्वास्थ्य मेरा थोड़ा ठीक है, जब तक मैं चलने फिरने लायक हूँ, मैं पंजाब में अपने लोगों की सेवा करता रहूँ। यही कारण है कि उन्होंने तो पंजाब में जो विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ने का फैसला लिया और इस और जिस सीट से वो चुनाव लड़े हैं, मैं चाहूँगी उस सीट पर गठबंधन के लोग उनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताएं। ये भी मेरी पुरजोर आप लोगों से अपील है। अब मैं पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव को लेकर कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन उससे पहले मैं भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं कमजोर व उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को
तथा उनके देहांत के बाद उनकी मूवमेंट को आगे गति देने वाले वह जहां आपके पंजाब स्टेट में जन्मे मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी पूरे हृदय से नमन करती हूं, जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश के विशेषकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। जो अब ये दोनों हमारे बीच में नहीं रहे हैं और अब इनके अधूरे पड़े कारवा को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी पूरे देश में काफ़ी जी जान से लगी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ही बीएसपी ने यहाँ के पंजाब स्टेट में इस बार विधानसभा काम चुनाव शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन करके लड़ने का फैसला लिया है। और अब मैं इस बने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए आप लोगों को ये कहना जरूरी समझती हूँ कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे समय तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों के साथ साथ आपके पंजाब स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही है। और आपके पंजाब स्टेट में तो अभी भी यहाँ कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो गई है। और अब इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में आपके यहाँ पंजाब स्टेट से भी ये पार्टी जरूर सत्ता से बाहर हो जाएगी, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद भी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में यहाँ दलित आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्र शोक घोषित नहीं किया था, तथा ना ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की भी रिपोर्ट को लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही उस समय श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा ना ही इनको खासकर दलित वर्ग के व्यक्ति को सीएम व अन्य उच्च पद पर रखने का याद आता है, तथा ना ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है, ये भी सोचने की बात है। इतना ही नहीं बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ में यदि ये पार्टी कुछ समय के लिए
अपनी पार्टी में से किसी दलित को मुख्यमंत्री भी क्यों ना बना ले, क्यों ना बना दे, या अपनी पार्टी संगठन में भी सर्वोच्च पद पर क्यों ना रख ले, तो भी वह आपके पंजाब स्टेट की तरह पूरे तौर से आज़ाद होकर, तो भी वह व्यक्ति आपके पंजाब स्टेट की तरह पूरे तौर से आज़ाद होकर वह पूरे सम्मान के साथ कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पार्टी उसका रिमोट कंट्रोल अधिकांश अपने गैर दलितों के हाथों में ही रखना ज़्यादा पसंद करती है। और ये सब हमें यहाँ आपके पंजाब स्टेट में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे मीडिया के जरिए ये भी मालूम हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने श्री चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ अपना सीएम का चेहरा बनाया है। मैंने अभी एक दो दिन पहले मुझे मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है, जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने अपनी खराब स्थिति को देखते हुए ही इस चुनाव में दलितों की वोट की खातिर मजबूरी में एक दलित को यहाँ अपना सीएम का चेहरा बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगता कांग्रेस पावर में आएगी, यदि आ भी गई तो सबसे पहले दलित को सीएम का जो चेहरा बनाया है इसको दरकिनार कर दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टी पावर में आएगी। लेकिन ये सब जानते हुए भी श्री चन्नी, ये जब लगा कि उनको सीएम का चेहरा बना दिया है लेकिन किस मकसद से बनाया है तो उसको भी उनको समझना चाहिए, श्री चन्नी को ये भी समझना चाहिए। लेकिन ये सब जानते हुए भी श्री चन्नी खुशी के मारे हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर में आशीर्वाद लेने चले गए, जिसका हमारी पार्टी को कोई ऐतराज़ नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है, किंतु बेहतर ये होता है यदि वो इस मौके पर, जब उनको सीएम का चेहरा घोषित किया अभी हाल ही में, तो बेहतर ये होता यदि वो इस मौके पर अपने समाज के संत गुरु रविदास जी को भी थोड़ा याद कर लेते और उनके मंदिर में भी जाकर माथा टेक लेते तथा उनका भी आशीर्वाद ले लेते। लेकिन इन्होंने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा, ये भी सोचने की बात है। ऐसे में खासकर संत गुरु रविदास जी के अनुयायियों से मेरी यही अपील है कि वे यहाँ अपने बने गठबंधन को ही वोट देकर इनको अपने संत गुरु रविदास जी की ताकत का भी जरूर एहसास कराएं। इसके अलावा मुझे ये भी बताया गया है कि इन्होंने यहाँ गरीबों, दलितों व इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के मामलों में अभी तक जो कुछ भी वायदे किए हैं तो उन पर इन्होंने अभी तक भी अमल नहीं किया है, ये भी मुझे जानकारी मिली है। और जो पहले से वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर जनहित की योजनाएं चल रही थी वो भी बंद कर दी गई हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब आपके पंजाब में यह हमारी गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो, और गठबंधन का जो मुख्यमंत्री है तो वो श्री सुखबीर सिंह बादल जी होंगे, ये हम बहुत पहले ही इसका ऐलान कर चुके हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब श्री सुखबीर सिंह बादल जी तो आपके पंजाब स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे तो जो दलितों और शोषितों के लिए, तो जो जनहित की योजनाएं चाहे वो सेंटर की है या स्टेट की हैं या यूपी के पैटर्न पर, हमने यूपी में जो वीकर सेक्शन के लिए उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो अनेकों योजनाएं शुरू की हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीकर सेक्शन के लिए सत्ता में आने के बाद उन योजनाओं पर जरूर अमल करेंगे। हमारे संत गुरु और जो महापुरुष हैं उनका भी ये पूरा पूरा
आदर सम्मान करेंगे, उनको भी पूरा पूरा आदर सम्मान देंगे। लेकिन मुझे ये बताया गया, मुझे जानकारी मिली कि वीकर सेक्शन के लिए तो जो भी योजनाएं चल रही थी वो यहाँ पर लागू नहीं हुई, और ख़ास तौर से दलित मुख्यमंत्री के चलते इनके संतों गुरुओं महापुरुषों आदि के मामले में इन्होंने घोषणाएं तो बहुत कर दी लेकिन अमल लेकिन उन पर इन्होंने अभी तक भी अमल नहीं किया है। ये है पंजाब के दलित मुख्यमंत्री की वास्तविक सोच व कार्यशैली आदि। लेकिन इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है व करती कुछ और है, जो इनकी नीति व नियत पर भी काफ़ी कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है। इसी पैटर्न पर अब हमें भारतीय जनता पार्टी भी चलती हुई नज़र आ रही है, जिसका भी हाल अब पूरे देश में कुछ वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी की तरह ही होने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी की खासकर पूंजीवादी सोच होने के कारण अब पूरे देश के किसान भी इनकी गलत नीतियों से बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी हैं, जिनको यहाँ के स्टेट में अपने गठबंधन की सरकार बनने पर कतई भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। जबकि इसी खास मुद्दे पर यहाँ अकाली दल बीजेपी व इनके एनडीए से अलग हुआ है, ये भी आप लोगों को जानकारी है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सेंटर की जो किसान विरोधी नीतियाँ हैं, तो जब हमारा गठबंधन पावर में आ जाएगा तो उन किसान विरोधी नीतियों को बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। इसके अलावा इन दोनों पार्टियों की यानी कि कांग्रेस व बीजेपी की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही आपके पंजाब स्टेट सहित पूरे देश में यहाँ दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों अकलियतों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों का तथा सर्व समाज में से गरीबों मजदूरों किसानों व्यापारियों व अन्य मेहनत कश लोगों का भी सही से विकास एवं उत्थान आदि नहीं हो सका है। और कोरोना महामारी के समय में तो इनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को तो इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं एवं अधिकार आदि मिले हैं, तो उन्हें अब यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली अधिकांश विरोधी पार्टियों की सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा उन्हें धीरे धीरे ख़त्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं, जिसके तहत ही केंद्र व राज्यों की भी सरकारी नौकरियों में इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जाता है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। इसके साथ ही अब तो इन सभी वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य या प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इन वर्गों को आरक्षण का बहुत कम लाभ ही मिल पा रहा है। और इससे पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ पिछड़े वर्गों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इन वर्गों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे इन पर उत्पीड़न करने वाले लोगों का मनोबल आए दिन और भी ज़्यादा बढ़ा है। और ये सब हमें यहाँ आपके पंजाब प्रदेश में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी इसका काफ़ी कुछ खुलासा किया गया है। इनके साथ साथ पूरे देश में
आपके पंजाब प्रदेश सहित पूरे देश में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब एवं बेरोजगार लोग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, किंतु इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों में भी यहाँ के पंजाब स्टेट में भी अब तक रही अधिकांश सरकारों की जातिवादी पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। इसके साथ ही इनकी आर्थिक नीतियों की वजह से ही अभी भी यहाँ आपके पंजाब स्टेट सहित पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी एवं महंगाई आदि काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश में व यहाँ के पंजाब स्टेट में भी हर स्तर पर भ्रष्टाचार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ऐसी स्थिति में अब आपको हर मामले में वे हर स्तर पर अपने पंजाब स्टेट की जनता की बेहतरी के लिए या अपने गठबंधन की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। और अपने इस बने गठबंधन की सरकार बनने पर फिर आपको सरकार चलाने के लिए यहाँ काफ़ी अनुभवी काबिल मेहनती व हर मामले में सक्षम मुख्यमंत्री मिलेगा, अर्थात फिर श्री सुखबीर सिंह बादल जी को ही यहाँ अपने बने गठबंधन की ओर से आपके पंजाब स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में अपने बने इस गठबंधन को कामयाब बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में आप लोगों को खासकर यहाँ कांग्रेस भाजपा व आम आदमी पार्टी आदि के इन सभी विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं। वैसे इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और ऐसा हमने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की चारों रही सरकारों में करके भी दिखाया है। इसलिए अब आप लोगों को अपने खुद के व अपने पंजाब स्टेट के भी हित में अपने वोटों को ऐसी पार्टियों को ना देकर केवल यहाँ अपने गठबंधन को ही वोट देना है। गठबंधन को ही वोट देना बहुत ज़रूरी है, जो ये गठबंधन सरकार बनने पर यहाँ की जनता के हितों के मुताबिक चलकर आपको हर मामले में बेहतरीन सरकार देगा। और तभी फिर यहाँ आपके पंजाब स्टेट में भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना जरूर साकार हो सकता है। और मान्यवर श्री कांशीराम जी के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मालूम है कि जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था तो स्वास्थ्य खराब होने से पहले जब इधर इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने पूरी मेहनत की थी, पूरी रात दिन मेहनत की थी पंजाब स्टेट में। उनको लग रहा था पहले से कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं यहाँ पे जन्मा हूँ तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती है, यूपी में तो सरकार बन गई लेकिन पंजाब में भी हमारी अपनी सरकार बननी चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी बीमार होने से पहले, लेकिन आप लोगों ने उनको निराश किया, आप लोगों ने उनको निराश किया। और आप लोगों ने उनको निराश नहीं किया होता उस समय तो शायद वो जल्दी से बीमार भी नहीं होते। वो बहुत मेहनत से लगे रहे, उनकी दिली तमन्ना थी कि यहाँ पर आप लोगों की अपनी सरकार बने, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि यदि आप लोग
उनके ना रहने के बावजूद भी अब तो गठबंधन बन गया है। आप जब गठबंधन बन गया है और गठबंधन के तहत आप लोग चुनाव लड़े हैं, अब माननीय कांशीराम जी तो हमारे बीच में नहीं रहे। यदि ये इस गठबंधन के आप लोग सरकार बना लेते हैं तो मैं समझती हूँ माननीय श्री कांशीराम जी के प्रति आपकी ये बहुत बड़ी श्रद्धा होगी। हो सकता है वो आप लोगों को वो अपने घुस, अब तो वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप लोगों ने यह गठबंधन की सरकार बना ली तो मेरे ख्याल वो जहाँ भी होंगे, मैं तो अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन उनको अच्छा जरूर लगेगा। इसलिए मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों के हितों के लिए उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था, बहुत कुछ त्याग किया था। ख़ास तौर से मैं दलितों को, पढ़े लिखे कर्मचारियों को ये बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज़ादी के बाद जब केंद्र में पहली सरकार बनी भारतीय संविधान के मुताबिक, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर बने, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सुविधा मिले और एससी एसटी को जो आरक्षण की सुविधा दी है उसका पूरा लाभ मिले। लेकिन कांग्रेस की सरकार उस समय केंद्र में थी, उन्होंने बाबा साहब की बात नहीं मानी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देकर उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं इनसे अपने लोगों के लिए अधिकार मांगने की बजाय मैं पूरे देश के कोने कोने में जाऊंगा और अपने लोगों को तैयार करूंगा और उनको बताऊंगा कि आप लोगों की जो शक्ति है, आप लोगों की जो आबादी है तो वो हाथी के तरह विशाल है, यदि आप लोग संगठित हो जाएं तो आप केंद्र और राज्यों में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आप लोग अपने हाथों में ले सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों को ये बताया था, लेकिन उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर माननीय श्री कांशीराम जी ने पूरी ताकत लगाई पूरे देश में समाज को एकजुट करने में। काफ़ी हद तक कुछ राज्यों में वो कामयाब भी हुए, पंजाब में तो गठबंधन के बिना आप लोग कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब तो गठबंधन बना है, अब कामयाब ही नहीं बल्कि आप लोगों को पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार इधर बनानी है। ये भी मैं आप लोगों से पुरजोर अपील करती हूँ। अब मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ अपने पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर जिताना है। जो गठबंधन के उम्मीदवार आपके यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे नेता लोग इधर हैं, हमारे गठबंधन के उम्मीदवार इधर हैं, हमारे उम्मीदवार लोग इधर बैठे हैं, तो आप लोगों को यहाँ अपने पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर जिताना है, इनको जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए आप लोगों को बीएसपी के उम्मीदवारों को गठबंधन के तहत जो बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बीएसपी के उम्मीदवारों को पार्टी के बीएसपी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर तथा शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों को पार्टी के तराजू अर्थात तगड़ी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें भी भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। आप लोगों को एक गठबंधन का एक अच्छा आप लोगों को परिचय देना है, ख़ास तौर से बीएसपी के लोगों को। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हैं, ये बीएसपी के हैं। आप लोगों को ये मान के चलना है ये गठबंधन के उम्मीदवार हैं। जहाँ जहाँ भी शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार खड़े हैं तो बीएसपी के लोगों को उनको जिताने के लिए पूरी ताकत लगानी है। जहाँ बीएसपी के उम्मीदवार खड़े हैं वह अकाली दल को जिताने के लिए पूरी ताकत लगानी है, तो मुझे पूरा भरोसा है यदि आप लोग बीएसपी और अकाली दल के उम्मीदवारों को एक मानकर चलेंगे और उनको पूरे जी जान से जिताने में लग जाएंगे तो फिर पंजाब में
आप लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी। अधिकांश सीटों पर आपके गठबंधन के उम्मीदवार जरूर कामयाब होंगे और यहाँ अपने बने इस गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी। तभी फिर आपके पंजाब स्टेट में अमन चैन का वातावरण पैदा होने के साथ साथ यहाँ सभी वर्गों व धर्मों एवं विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ की जो भी गंभीर समस्याएं हैं और उनमें से खासकर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की जो ये अति विकट यहाँ समस्याएं हैं, तो उसका भी काफ़ी हद तक जरूर समाधान किया जा सकता है। आप लोगों को जो कुछ नई नई पार्टियाँ इधर पंजाब में आई हैं, कांग्रेस तो कहती कुछ है करती कुछ और है, यही बीजेपी का हाल है। बीजेपी भी अब कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है और आम आदमी पार्टी का तो आप लोगों ने दिल्ली में बुरा हाल देखा है, खास तौर से कोरोना काल के दौरान जब वहाँ पर कोरोना पीक पर था और यूपी के लोग और बिहार के लोग जब मुश्किल में थे तो उनको वहाँ पर रोक कर उनको ठहरा कर उनकी व्यवस्था करने की बजाय उनको उनको कहा कि आप बिहार और उत्तराखंड चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, उनको भेजने का काम किया उनकी मदद करने की बजाय। इसलिए आम आदमी पार्टी का मुखिया इधर आकर जो बड़े बड़े वायदे कर रहा है, बड़े बड़े आश्वासन दे रहा है, तो आप दिल्ली में तो जाकर देखो कितनी बिजली उन्होंने माफ़ की हुई है, कितनी सस्ती बिजली मिल रही है, कितने मोहल्लों में हॉस्पिटल चल रहे हैं। आप जमीनी हकीकत में जाकर देखो तो कुछ नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस की जो कमियां रही हैं उसका उसने फ़ायदा उठाया, कांग्रेस और बीजेपी का दिल्ली में। तो मेरा आप लोगों को यही कहना है कि यहाँ पर तो आप लोगों को कांग्रेस बीजेपी का के चक्कर में ना पड़कर, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया बीजेपी ने, लेकिन आपको इसके कुछ नहीं किया, लेकिन अब आप लोगों को अपना गठबंधन जिसकी आप उम्मीद करते हैं, गठबंधन जिन कार्यों की उम्मीद करते हैं आपका गठबंधन, ये सब कार्य करके दिखाएगा। आपके पंजाब स्टेट की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत फैली है, तो बेरोजगार नौजवानों को हमारा पूरा प्रयास होगा, हम कुछ तौर तरीके निकालेंगे कि बेरोजगार लोगों को इधर रोजगार मिले। और उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर हम प्रयास करेंगे, श्री सुखबीर सिंह बादल जी से हम बात करेंगे इनसे जब गवर्नमेंट बन जाएगी। जैसे हमने वहाँ पर वीकर सेक्शन के लिए खास तौर से गरीबों के लिए जो विभिन्न हमने योजनाएं बनाई थी, उनमें से कुछ योजनाओं को पंजाब स्टेट की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, तो उन योजनाओं को ये ज़रूर इम्प्लीमेंट करें जिससे दबे कुचले लोगों का ज़रूर फायदा होगा, इनको ज़रूर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हालांकि मुझे मालूम है कि जब ये गठबंधन नहीं हुआ था, अकाली दल अलग था, बीएसपी अलग थी, तो यूपी में जब सरकार बनी तो यहाँ पर बड़ा प्रचार था बीएसपी के बारे में, गलत प्रचार था कि बीएसपी की सरकार तो किसानों की ज़मीन लेकर दलितों को दे रही है, ये बड़ा गलत प्रचार था। जबकि मैं पंजाब के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार ने किसी भी किसान भाई की 1 इंच भी ज़मीन छीनकर हमने दलितों के बीच में नहीं बांटी थी, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो सरकारी ज़मीन खाली पड़ी थी उसके 2-2, 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने उत्तर प्रदेश में गरीब भूमिहीन व वीकर सेक्शन के लोगों को खेती करने के लिए फ्री दी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वोट पड़ने से पहले बहुत सी अफवाहें फैलाई जाएंगी यूपी गवर्नमेंट को लेकर, आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। हमने अपनी गवर्नमेंट में तो वीकर सेक्शन ही नहीं, अपर कास्ट समाज के जो गरीब लोग हैं, विभिन्न धर्मों विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया, और इतना ही नहीं जो सरकारी ठेके थे उसमें हमने SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया। ये पहली बार पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था यूपी सरकार ने की, बाद में फिर सपा सरकार ने ख़त्म कर दिया,
और बीजेपी ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब आपका वो रिजर्वेशन पूरा नहीं कर रहे हैं समय से, तो वो बाकी जगह आपको रिजर्वेशन क्यों देंगे। तो इसलिए आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होकर ये गठबंधन की सरकार बनाकर, क्योंकि संगति का भी असर पड़ता है। ये जब गठबंधन बना बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल का, तो बीएसपी का जो संगति है उसका जो असर है अकाली दल गठबंधन पर जरूर पड़ेगा। और अकाली ये गठबंधन की सरकार बनकर, तो आप लोगों की जो ये दिली तमन्ना है कि उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ आप लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो मुझे पूरा भरोसा है कि श्री सुखबीर सिंह बादल जी आपकी इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। ये मैं आप लोगों को उनकी तरफ से विश्वास दिलाना चाहती हूँ। उनकी दिली तमन्ना है, आप लोगों को मालूम होगा पूरे पंजाब में जब ये घूम रहे हैं, चुनावी जनसभाएं ले रहे हैं गठबंधन की, तो जगह जगह ये वीकर सेक्शन के बारे में बोलते हैं कि हमारी गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो हम ये कार्य करेंगे। कार्य बताते हैं आप लोगों को, आपके संतों गुरुओं महापुरुषों को पूरा आदर सम्मान दिया जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को इनके पर यकीन करके इस गठबंधन को कामयाब ज़रूर बनाएं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो बेरोज़गारी को दूर करने के लिए यहाँ की पंजाब स्टेट की उस समय की आर्थिक स्थिति देखी जाएगी कैसी है। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। और ये आपके पंजाब स्टेट की विकट समस्या है। रोज़ ख़ास तौर से इधर जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं तो उनको पूरा किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि उनकी कीमतें ज़्यादा ना बढ़े, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। तो इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ, जिस प्रकार से सन 1996 के लोकसभा चुनाव में इस बने गठबंधन ने उस समय पंजाब में 13 में से 11 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी का लगभग सफाया कर दिया था, तो ठीक उसी प्रकार से इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में भी आपको फिर से ये इतिहास जरूर दोहराना है। और तब फिर इस चुनाव में भी कांग्रेस में अन्य पार्टियों का भी जरूर सफाया हो जाएगा, और तभी फिर श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में यहाँ बीएसपी व शिरोमणि अकाली दल गठबंधन की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनेगी। वैसे मुझे आप लोगों के जोश को देखकर, खास तौर से आप लोग मेरी एक एक बात को जो बहुत शांतिपूर्वक और गंभीरता से आप लोग सुन रहे हैं, तो मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है। और आपके जोश को देखकर, आपकी गंभीरता को देखकर, तो ये पूरा भरोसा है कि आप लोग पंजाब प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं, आप लोग परिवर्तन चाहते हैं। और परिवर्तन आप लोगों के हाथ में, गठबंधन के हाथ में है, परिवर्तन आप लोगों के हाथ में है, गठबंधन के हाथ में है। और यदि गठबंधन ने अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से निभा लिया और गठबंधन के उम्मीदवारों को एक एक वोट अपना आप लोगों ने दे दिया, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों की ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, आज आप लोग ये तैयार करके जाएंगे कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है और गठबंधन को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, गठबंधन को सत्ता में लाना है। तो इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ।